मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपके भी पास Xiaomi का मोबाइल है तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि Xiaomi ने MIUI 11 अपडेट का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, इसको अपडेट करते ही आपका मोबाइल हो जाएगा और भी स्मार्ट। इन स्मार्टफोन को कब मिलेगा अपडेट, इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। तो बताने से पहले, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को दबाएं, ताकि और भी आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। Xiaomi ने भारत में MIUI अपडेट का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने भारतीय स्मार्टफोन की लिस्ट जारी की है जिनमें इसका अपडेट दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि चीनी टेक कंपनी Xiaomi ने भारत में Redmi Note 8 और Redmi Note 8 Pro लॉन्च किए हैं। इसके साथ ही कंपनी ने MIUI 11 का भी ऐलान कर दिया है। ये Xiaomi का कस्टम मोबाइल OS है जो Android बेस्ड है। कंपनी ने इसके लिए खास बदलाव और नए फीचर्स के बारे में बताया है। यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर करने के लिए इसमें छोटे बड़े कई नई फीचर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या है इसमें खास फीचर्स। डार्क मोड के साथ डायनेमिक वीडियो वॉलपेपर का ऑप्शन दिया जाएगा। MI वर्क के तहत डार्क रिव्यू टास्क जैसे ऑप्शन है। कैलकुलेटर अप फ्लेटिंग कर दिया गया है, यानी कि किसी दूसरे ऐप के साथ एक स्क्रीन पर ही यूज कर सकते हैं। MI लाइफ के तहत स्ट्रेप ट्रेकर, पीरियड ट्रेकर और क्विक रिप्लाई का फीचर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दो कि 22 अक्टूबर से MIUI 11 Xiaomi के युग डिवाइस में मिलना शुरू हो जाएगा। इसे कंपनी कई चरण में जारी करेगी। चलिए जान लेते हैं, 22 से 31 अक्टूबर तक इन स्मार्टफोन में मिलेगा MIUI 11 अपडेट। पहला हो गया पोको F1, सेकंड हो गया Redmi K20, थर्ड हो गया Redmi Y3, Redmi 7, Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro। चलिए दूसरे चरण में, यानी कि 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इन स्मार्टफोन में मिलेंगे MIUI 11 के अपडेट। पहला हो गया Redmi K20 Pro, Redmi 6, Redmi 6 Pro, Redmi 6 से Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi Note 4, Redmi Y1, Redmi Y1 Lite, Redmi Y2, Redmi 4, MI Mix 2 और MI Max 2। दोस्तों, तीसरे चरण में, यानी कि 4 नवंबर से 12 नवंबर तक इस स्मार्टफोन में मिलेंगे अपडेट। पहला हो गया Redmi Note 6 Pro, उसके बाद हो गया Redmi 7A, उसके बाद Redmi 8, Redmi 8A, Redmi Note 8। तीसरे चरण में MIUI 11 का अपडेट 13 नवंबर से 29 नवंबर के बीच जारी होगा। इस दौरान Redmi 8 Note Pro में अपडेट मिलेगा। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फिर ऐसी कोई नई जानकारी आपको दे सकूं। तब तक के लिए बाय बाय।